जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग एमएस वर्ड के बारे में सीखा जाएगा। एमएस वर्ड में आज की क्लास में एमएस वर्ड में मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में सीखना है। कल की क्लास में मैंने आपको पैराग्राफ ऑप्शंस के बारे में बताया था, लेकिन मैंने मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में बताया था कि इसकी क्लास में हम कल की क्लास में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में बात करें तो इसका प्रयोग हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर बनाने में करते हैं। जैसे एग्जाम में अधिकतर ऐसा होता है कि जैसे मान के चलिए कि क्वेश्चन इस तरीके से बनाया जाता है कि एक क्वेश्चन है और उसके चार ऑब्जेक्टिव हैं, उसमें जो ऑब्जेक्टिव सही रहता है उस पर टिक लगाना होता है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी लिखवाया था कि एमएस वर्ड का प्रयोग हम क्वेश्चन पेपर बनाने में भी करते हैं, जी लिखवाए थे ना। तो एमएस वर्ड की क्लास में कि क्वेश्चन पेपर हम कैसे बनाते हैं मल्टी लेवल लिस्ट के माध्यम से, वही आज की क्लास में समझना है। और प्लस विषय सूची हम कैसे तैयार करते हैं। आप लोग आगे आ जाओ। अरे आप लोग को नहीं बोल रहे, पीछे वाले को आगे बोल रहा है, आ जाओ। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले देखिए, कोई भी मल्टी लेवल लिस्ट आप बनाइएगा या कोई भी क्वेश्चन पेपर आप तैयार करिएगा, इसके लिए जरूरी है कि पेज की साइज की जो होनी चाहिए वो 100% की होनी चाहिए। पेज की साइज 100% होना चाहिए। और प्लस पेज की जो ओरिएंटेशन होना चाहिए, वो पेज की ओरिएंटेशन आपका होना चाहिए क्या, पोर्ट्रेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोर्ट्रेट। अब चलिए, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि हमको क्वेश्चन पेपर ही बनाना है। हेडिंग कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है ना, क्योंकि मेन हेडिंग है, इसकी सिलेक्शन करके इसको हम बोल्ड कर देते हैं। अब देखिए, अब करना क्या है, सबसे पहले आपको होम टैब पे आना है। अब ऐसा नहीं कि 1 2 3 आपको लिखना पड़ेगा, आपको लिखना नहीं है, ये ऑटोमेटिक नंबर अपने आप उठाएगा। आपको करना क्या है, हेडिंग बनाने के बाद इसके बाद से आपको मल्टी लेवल लिस्ट पे आ जाना है। ठीक है, अब जैसे ही मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इतना सारा लिस्ट आपको दिख रहा है ना। जैसे हेडिंग कोई लिखते हैं तो उसके अंदर भी कुछ हेडिंग होता है, उसके अंदर भी कुछ हेडिंग होता है, उसके अंदर कुछ पॉइंट होता है, उसके अंदर भी कुछ पॉइंट होता है। इस तरीके से बहुत सारा डेटा बनाया जाता है। तो इसमें करंट लिस्ट को सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें जैसे मान के चलिए मैंने क्वेश्चन तैयार किया, पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया, व्हाट इज फुल फॉर्म, फुल फॉर्म ऑफ रैम। मैंने पहला क्वेश्चन लिख दिया। अब ये नहीं कि विकल्प भी तत्काल ही आपको लिखना है, पहले तो आपको केवल क्वेश्चन बनाना है। समझ में आ रहा है ना, पहले आपको क्या करना है, केवल क्वेश्चन टाइप करना है। फिर मैंने एंटर बटन दबाया और फिर मैंने यहाँ पे टाइप किया हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। समझ में आ रहा है ना, फिर मैंने एंटर किया। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ मेनी व्हाट इज वर्क ऑफ कंप्यूटर इज फुल फॉर्म ऑफ रूम।
चलिए इतना क्वेश्चन हम लिख लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे देखिए सबका क्या करना है, ऑब्जेक्टिव लिखना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे टाइप कर लेंगे। क्वेश्चन टाइप करने के बाद इसके बाद से हम क्या करेंगे कि इसका जो भी आंसर होगा चाहे जो भी ऑब्जेक्टिव होगा इसके बाद से हमको टाइप करना है। आप यहाँ पे आ जाइएगा और फिर एंटर करिएगा, तो ये 2 नंबर सेलेक्ट करेगा, यहीं पे आपको टैब दबा देना है। क्या दबाना है? टैब। आप बताइए रैम का पूरा नाम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए इसका अल्टरनेट कुछ लिख देते हैं। लेकिन आंसर कौन सा सही होगा? फर्स्ट वाला सही होगा ना। इसको सिलेक्शन करिएगा और सिलेक्शन करने के बाद इसकी कलर को आप यहां से बदल सकते। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे आना है, क्या दबाना है? एंटर। इसके बाद टैब बटन दबा देना है। बताइए हाउ मेनी टैब्स आर कंप्यूटर? 3, 2, 5, 7। कौन सा सही होगा? ए वाला ना। कौन सा सही होगा? सी वाला सही होगा। कौन पढ़ा है? ए पढ़ाई है। इसके बाद से चलिए, इसके बाद से तीसरा ऑप्शन क्या दिया है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर? एंटर। टैब। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर? 2। एंटर। 5। एंटर। 9। एंटर। 10। क्या होगा? ये वाला सही हो जाएगा। एक इम्पैक्ट होता है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट होता है। केवल इसको सिलेक्शन करिएगा। ऐसे बना सकते हैं क्वेश्चन ना? बोलिए। तो ऐसे आप लोग बनाते चले जाइएगा। इस तरीके से मैंने आपको तरीका बता दिया मल्टी लेवल लिस्ट में कि इस तरीके से हम क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं। अब चलिए सब्जेक्ट का लिस्ट हम कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ पे अगला जो हमको बनाना है वो CCC के बुक से विषय सूची वाला हमको सिंबल बनाना है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या है, क्वेश्चन पेपर में किसी को दिक्कत नहीं ना, बन जाएगा ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चलिए विषय सूची जो है यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है इंसर्ट टैब में। कहाँ पे आना है? इंसर्ट टैब में। और यहाँ पे आ जाइएगा शेप पे, और ये वाला आपको शेप ले लेना है राउंडेड रेक्टेंगल। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। अब इसी पे राइट क्लिक करिएगा, ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा और इसमें आपको हेडिंग दे देना है सब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है। अब इसकी इसको हम सिलेक्शन करेंगे, इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, Ctrl B से बोल्ड कर लीजिए, प्लस शेप फिल में आकर के इसकी कलर को आप यहां से चेंज कर लीजिए। इतना करने के बाद अब इसके बाद से यहां पे लिखा हुआ है अध्याय 1 से लेकर के 332 लिखा हुआ है ना, तो यहां पे लिख लेंगे लेशन, और यहां पे लिख लेंगे स्पेस दे करके 1 और स्लैश 332। सही है? आप देखिए इसको सिलेक्शन करेंगे, इसकी साइज को बढ़ा देंगे।
अब इसको हम यहां से बोल्ड कर देंगे और यहां से इसकी फॉन्ट को हम बदल लेंगे। और यहां से यहां तक सिलेक्शन करने के बाद इसमें हम कुछ हाइलाइटेड कलर का इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे कि ये वाला कलर मैंने ले लिया। यहां तक हो जाएगा ना। अब चलिए इसके बाद से क्या करना है, अब चलिए यहां से आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद इसके बाद से आपको आ जाना है, सबसे पहले यहां पे इसकी साइज को कम कर लीजिए, बोल्ड का इफेक्ट हटा दीजिए और यहां पे आना है मल्टी लेवल लिस्ट पे और यहां से ये वाला आपको लिस्ट लेना है। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है ना। देखिए इसके नीचे ए लिखा हुआ है और इसके नीचे 111 111 ऐसे लिखा हुआ है, दिख रहा है ना। तो इसमें ये वाला लिस्ट हम लेंगे और लेने के बाद यहाँ पे एक नंबर आ गया ना। अब एक नंबर पे हेडिंग क्या लिखा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, मेन हेडिंग है, इसको आप लोग कैपिटल में ही रखिएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब बताइए सेकेंड हेडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि पहले इसमें क्या करेंगे, हेडिंग बनाएंगे। जब हेडिंग बन जाएगा तब उसके बाद से इसके अंदर की पॉइंट हम टाइप करेंगे, मैंने अभी बताया है ना। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा बटन, एंटर बटन दबाएंगे ना। अब यहाँ पे सेकंड नंबर का हेडिंग इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा हेडिंग क्या लिखा है, लिब्रे ऑफिस राइटर, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। तो पहले तो मेन हेडिंग, तीन हेडिंग हम तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद अब इसके बाद से इसके अंदर की पॉइंट हमको टाइप करना है, क्योंकि तीन ही हेडिंग हम बनाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, छोटा नहीं ना हेडिंग, बहुत बड़ा। अभी दो तक आने में हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तब बाद में आप तीन नंबर के हेडिंग पे आएंगे, तीन नंबर बहुत ज्यादा दिया हुआ है। तो देखिए अब करना क्या है, अब यहाँ पे एक नंबर की हेडिंग हो गई, अब 1.1 की हेडिंग लिखना है ना। तो 1.1 में क्या लिखा हुआ है, 1.1 में क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ, मैंने अभी बताया 1.0 इसमें काम नहीं करेगा। तो देखिए 1.0 नहीं काम करेगा तो 1.1 लिखना है ना, तो कर्सर को कहां पे लेके आएंगे, आर के पास लेके आ जाएंगे और क्या दबाएंगे, इंटर बटन दबाएंगे। तो ये दूसरे नंबर का हेडिंग उठाएगा, तो यहीं पे क्या दबा देना है, टैब बटन दबा देना है, बस यही आपको समझना। और यहां पे लिख देंगे क्या, ऑब्जेक्टिव, लास्ट में ई एस भी जुड़ा है क्या। अब 1.2 में क्या लिखा, फिर एंटर करेंगे 1.2 में, हाँ इसमें भर देंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स। इसके बाद से 1.3 में क्या लिखा हुआ, बेसिक ऑफ हार्डवेयर एंड इसके बाद से 1.4 में क्या लिखा, इसके बाद से क्या लिखा है, फिर एंटर करेंगे 1.4 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें भर देंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सबको समझ में आ रहा है, किसको नहीं समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सबको ना, ठीक है। अब चलिए 1.5 भी दिया है, 1.5 में क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन। देखिए इसमें बस आपको ये प्रोसेस आपको याद रखना है, जब प्रोसेस याद हो जाएगा तो टाइपिंग आप कर ले जाएंगे, इसमें बना ले जाएंगे मल्टी लेवल लिस्ट। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड और कुछ, पांच तक हो गया एडिंग ना। अब देखिए करना क्या है, अब ऐसा नहीं कि दूसरा वाला बनाएंगे, अभी दूसरा वाला नहीं बनाना है, अभी पहले केवल पहला वाला आपको तैयार करना है।
इतना बनाने के बाद आपको पुनः आ जाना है ऑब्जेक्टिव वाले ऑप्शन पे, और फिर क्या दबाना है, इंटर बटन, फिर क्या दबाना है, टैब बटन दबाना है, बस यही समझना है आपको। ट्रिपल वन आ जाएगा, ट्रिपल वन में क्या लिखा है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव, इसके बाद 1.1.2 में एंटर बस करना है लिमिटेशन, हो गया ना। इसके बाद से 1.3 भी है, नहीं है, अब देखिए 1.2 का लिखना है ना, तो यहां पे आ जाइएगा कर्सर को लेकर के, कर्सर यहाँ पे लिखा रहना है 1.2 पे, और फिर क्या करना है, एंटर बटन, फिर क्या दबाना है, टैब बटन। देखिए 1.2.1 में क्या लिखा है, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, एंड इट्स एप्लीकेशन है, इसके बाद से क्या लिखा है, 1.2.2 में क्या लिखा है, आईटी गैजेट्स, आईटी गैजेट्स एंड देयर एप्लीकेशंस, इसके बाद से क्या है, 1.2. हो गया ना कंप्लीट। अब चलिए पुनः चलते हैं 1.3 में, फिर क्या करना है, इंटर बटन दबाना है, फिर यहां से टैब बटन। 1.3.1 में क्या लिखा है, हार्डवेयर लिखा है, लगभग सबको समझ में आ रहा होगा अब कैसे क्या करना है, हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिखना है, देखिए थोड़ा सा भी अगर मिसमैच करेंगे तो स्टार्टिंग में ही दिक्कत हो जाएगी, इतना समझ लीजिए, इस तरीके से जो हम स्टेप बता रहे हैं उसी स्टेप के हिसाब से चलेंगे तो हो पाएगा। अब चलिए इसके बाद से क्या लिखा है, 1.4 वाला है ना, तो पुनः आप आ जाइएगा 1.4 में, फिर यहाँ पे एंटर बटन दबाइएगा, फिर यहाँ से टैब बटन दबा देना है। 1.4.1 में क्या लिखा है, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, इसके बाद से क्या लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज, इसके बाद से क्या है, उसके बाद से फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ लैंग्वेज अच्छा आर करके लिखा है, ओ आर, इसके बाद से 4GL, चलिए इसके बाद भी कुछ है, HLL किसमें लिखा है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, ब्रैकेट ओपन और HLL ब्रैकेट क्लोज, हो गया। अब चलिए अब इसके बाद से 1.5 क्या करना है, इंटर, इसके बाद टैब बटन दबा देना है। अब इसमें 1.5.1 में नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम है, इसके बाद डिजिटल कोड्स है, क्या है, कन्वर्जन, इसके बाद से डिजिटल कोड्स, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए देखिए करना क्या है, इसमें इतना बनाने के बाद जो मेन हेडिंग है सबसे पहले उसको सिलेक्शन कर लीजिए और Ctrl+B से बोल्ड करिएगा, और इसकी साइज को आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, पर ये काम अभी नहीं करना है, जब पूरा बना लीजिएगा तब। जैसे मान के चलिए मैंने जो है एक हेडिंग बनाया, एक हेडिंग मतलब पहला नंबर का मैंने कंप्लीट कर लिया, तो अब इसमें करना क्या है, जो मेन हेडिंग है उसको आपको रेड कलर से पेंट करना, ठीक है ना। अब इसी के जैसा हेडिंग रेड कलर वाला कौन सा मिलेगा, जो नीचे वही मिलेगा ना, इससे सिमिलर यही है ना, तो बस यहाँ से फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए और इसी को ऐसे बना दीजिए।
फिर सेम फॉर्मेटिंग लिब्रे ऑफिस राइटर में भी हो जाएगा, क्योंकि मेन हेडिंग है, तो यहां से फॉर्मेट पेंटर और इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए, अब इसके अंदर की पॉइंट जो होगा उसको हम 1.1 बोलेंगे ना, तो इसको भी सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज थोड़ा सा बढ़ाइएगा, बहुत ज्यादा नहीं, और इसको भी बोल्ड करिएगा, और इसको यहां से दे दीजिएगा ग्रीन कलर। इससे समझने में आइडिया मिल जाएगा आपको, समझ में आ रहा है ना? फिर ऐसे ही फॉर्मेटिंग सब पे अप्लाई करना है, तो फॉर्मेट पेंटर और इसको ले लीजिए, यही आएगा ना? फिर फॉर्मेट पेंटर, फिर आप इसको ले लीजिए, एक एक ही बार में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यहां से फॉर्मेट पेंटर मैंने ले लिया ना, अब चलिए इतना बनाने के बाद इसके बाद से इसको ब्लैक में ही रहने दीजिए, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लीजिए। अब देखिए, तीन हेडिंग है और तीन का अलग अलग कलर है। अब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेन हाइलाइटेड पे अगर है जो रेड कलर है, मतलब इसका मुख्य हेडिंग है, यानी कि इस बुक का सबसे पहले अगर देखा जाए तो मेन हेडिंग हमारा रेड कलर से पेंट किया गया, आइडिया मिल जाएगा ना? और इसके जो अंदर की पॉइंट है उसको किस कलर में रखा गया है? ग्रीन कलर में रखा गया है, समझने के लिए। अब देखिए, आप चाहेंगे तो नॉर्मल भी बना लेंगे, लेकिन नॉर्मल से उतना बेहतर आपको समझ में नहीं आएगा, वही जब आप कलर वाला ऑप्शन अप्लाई कर देंगे तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये मेन हेडिंग है, इसके मैचिंग का जो मेन हेडिंग होगा वही होगा, इसके अंदर में ऐसा नहीं कि इसको हम रेड कलर से पेंट कर देंगे, हो जाएगा? अब चलिए सेकंड वाले ऑप्शन में चलते हैं, और फिर क्या करना है स्टार्टिंग से बताइए, फिर क्या करेंगे हम? अब सबसे पहले क्या करना है, फिर स्टार्टिंग से आ जाएंगे, क्या करेंगे सबसे पहले, क्या करेंगे? कर्सर को यहां पे लेके जाएंगे, यम के पास, इसके बाद से एंटर बटन दबाएंगे, इसके बाद से टैब बटन दबा दें, पर ये कलर यही उठाएगा, आप लोग इससे घबराइए मत, क्योंकि फॉर्मेटिंग एक बार में आप करिएगा, ठीक है? फॉर्मेटिंग तब करिएगा जब तीनों हेडिंग कंप्लीटली जानकारी हो जाएगी, क्योंकि एक बार जब करेंगे फॉर्मेटिंग तो बार बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अब चलिए, 2.1 में क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव लिखा है ना? इसके बाद से 2.2 में, ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर एंटर करेंगे। अब देखिए, 2.2.1 आ गया ना, अब यहाँ पे एंटर करने के बाद टैब बटन दबा दीजिएगा, देखिए सबको समझ में आ रहा है? अब इसमें लिखना है क्या? बेसिक ऑफ, ऑपरेटिंग बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बाद से क्या लिखा हुआ है? हाँ, सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, इसमें कॉपी पेस्ट मत करिएगा, नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा, कॉपी पेस्ट वाला काम इसमें मत करिएगा, क्योंकि इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना होता है। फॉर डेस्कटॉप, इसके बाद से क्या लिखा है? फिर एंटर करेंगे। देखिए, जैसे हम यहां से कॉपी करते हैं डेटा, यहां पे कंट्रोल प्लस बी, ये सेम सेम हेडिंग है तो एक्सेप्ट कर लिया है, ध्यान से देखिए। अब इसमें चेंज करना है क्या? फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स, हो गया? इस तरीके से बना लेंगे, आप लोग रहने दें, जी ऐसे ही बनाइए आप लोग लाइव में चल के, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें, ठीक है? लेकिन अच्छा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सिलेक्शन कर लेंगे, इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, मैनेज हो जाएगा, कोई नंबर दिक्कत नहीं है, नंबर के पास चला जा रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो एक साथ सबको सिलेक्शन कर लीजिए और तब जाकर के इसकी साइज को छोटा करिए, और एक स्लाइड खड़ी है।
थोड़ा सा छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब देखिए ग्रीन कलर में कौन कौन सा हेडिंग आएगा, ऑब्जेक्टिव ग्रीन में आएगा, इसको ग्रीन में कर लीजिए, और ये भी तो ग्रीन में आएगा, इसको भी ग्रीन कलर में कर लीजिए। पर कलर वाला ऑप्शन अभी अप्लाई मत करिएगा, कलर वाला ऑप्शन अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि पहले पूरा डेटा आप बना लीजिएगा, तब एक बार कलर का ऑप्शन लगाइए। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। बोलिए, सबको समझ में आया, सबको समझ में आ गया? अब सही हो गया ना। फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग मैंने इसके पहले भी बताया है ना, फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है, ठीक है।